आ जा दसा तेनू सोनी दी फैशन की होंदा तेरे यार दा तां वखरा स्वैग नी ओ मेरा सूट पट्टी वाला कितनो को मार डाला हां पंजाब दी मैं कुड़ी सरदार नी जुत्ती मेरी हैगी कम सारी कट दी है वे मैं तेरे तों भी ज्यादा वखरा स्वैग सो हाय गाइस आदर्श हियर और यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ्स में जेईई मेंस में कैसे अच्छा स्कोर करना है कौन कौन से इजी टॉपिक्स आप लोगों के होने वाले हैं क्या आप लोगों के लिए टैक्टिक्स होने वाला है वो मैं बताऊंगा। इससे पहली वीडियो जो आई थी एक हफ्ते पहले मैंने अपलोड किया था वो मैंने केमिस्ट्री के लिए बताया था कि केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए कौन कौन सी इजी टॉपिक्स होने वाली है कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोगों को स्कोर करने हैं और क्या आप लोगों के लिए टैक्टिक्स होने वाली चाहिए कि ताकि आप लोगों की 2020 वाली एग्जाम वो काफ़ी अच्छी जाए। तो जो बच्चे अभी नए देख रहे हैं इस वीडियो को वो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें तब आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे भी समझ में आएंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जेईई मेंस से रिलेटेड कॉलेज रिव्यूज़ देता हूँ, स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स बताता हूँ, क्लास 12th या फिर 11th के बारे में ही बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम अपडेट्स आएंगे उनके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिस ना हो तो मेक श्योर करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ना यार मैं आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ही मजेदार एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। उस ऐप का नाम है मेलवानो। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने कैसे इस ऐप को जाकर डाउनलोड किया है। ये वाली ऐप के बारे में मुझे तब पता चला जब जेईई मेंस में इससे 10 से 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे मैच कर गए। ठीक है, इस ऐप पे आपको मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 से भी ज़्यादा बुक्स की क्वेश्चंस जो है वो एक जगह एक ऐप में आप लोगों को मिल जाती हैं। आईआईटी मद्रास के जो भैया हैं उन्होंने ये ऐप को बनाया है बहुत सारी टीम मिलकर और वो हमेशा ही सारे बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। सबसे मज़ेदार बात क्या है ना कि यार ये ऐप हमारी टोटली फ्री है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और टॉप 10 के स्टूडेंट्स जो होंगे ना 10,000 स्टूडेंट्स जो इसे डाउनलोड करेंगे उन्हें मेंटरशिप का मौका मिलेगा। और यार इसमें आप लोग जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट सॉल्व करो, सारी चीजें आप लोगों को यहां पे मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे, जल्दी से जाके इसे डाउनलोड कर लेना। मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जो कि हम लोगों के लिए गर्लफ्रेंड कैसा काम करती है। गर्लफ्रेंड कैसी होती है, अगर आप गर्लफ्रेंड को वक्त नहीं दोगे, टाइम नहीं दोगे, बीच बीच में आप उसे घुमाने नहीं लेके जाओगे, कहीं पे पार्टी कराने नहीं लेके जाओगे, डिनर पे लेके नहीं जाओगे, पार्क में बिठाओगे नहीं, तो वो आप लोगों से नाराज़ हो जाएगी और कई केस में तो ऐसा भी होता है कि आप लोगों से ब्रेकअप करना पड़ जाता है। तो वैसे ही कुछ कहानी हमारी मैथमेटिक्स की भी है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है यार कि इसको हम लोगों को वक्त देना पड़ता है। वक्त देने का मतलब ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से मैथमेटिक्स आप लोगों से ज़्यादा वक्त मांगती है, लेकिन ये लॉयल भी होती है हमारी गर्लफ्रेंड की तरह। अगर आप उसे प्यार दोगे तो रिस्पेक्ट में आप लोगों को भी बहुत सारा भर भर के प्यार मिलेगा। लेकिन जैसे किसी गर्लफ्रेंड को बनाना, जैसे किसी लड़की को प्रपोज करना या फिर मनाना या फिर कहूँ तो इम्प्रेस करना मुश्किल होता है, वैसे ही हमारा मैथ्स भी होता है। मैथ्स को भी इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैथ्स के पीछे पीछे जाना पड़ता है, जैसे आप लोगों को लड़कियों के पीछे पीछे जाना पड़ता है वैसे ही मैथ्स के पीछे भी आप लोगों को जाना पड़ता है। खैर वो सब बात छोड़ते हैं, अब अपन बात करते हैं कि बेसिक चीज़ क्या है और हम लोगों को कितने मार्क्स इसमें स्कोर कर रहे हैं मैथ्स में जेईई मेंस में। तो 2017, 2018, 2016 के जब आप पेपर को उठा के देखोगे, फिर अचानक से आप 2019 के पेपर को उठा के देखोगे तो आपको ज़मीन और आसमान का अंतर नज़र आएगा दो चीज़ों में, एक तो डिफ़िकल्टी लेवल में, दूसरी चीज़ ये है कि कटऑफ्स में। कटऑफ का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 2017 में, 2016 में, 2018 में अगर आप 150 से 170 मार्क्स लेके आते हो, कितने मार्क्स लेके आते हो, 150 से 170 मार्क्स, किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो कि अभी NITs या फिर IIITs या फिर GFTI में है, उसको एक अच्छी NIT मतलब एक अच्छी डिसेंट सी कॉलेज मिल जाती थी। 150 इक्वल टू ए गुड कॉलेज। नाउ अब 2019 की सिनेरियो क्या है, 2019 की सिनेरियो है कि अगर आपको 220, 240 मार्क्स आ रहे हैं, 210 मार्क्स आ रहे हैं, 180, 190 मार्क्स आ रहे हैं, फिर जाके आपको एक डिसेंट मतलब एक ठीक ठाक सी कॉलेज मिलेगी। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस हमारा आ रहा है 30-40 मार्क्स का, और इस 30-40 मार्क्स को ही हमें कैसे रेक्टिफाई करना है यही हम लोगों को इस वीडियो में देखना है। ठीक है, और ये 30-40 मार्क्स का जो डिफरेंस आ रहा है यही हमारे लिए की का काम करेगी, या फिर कहूँ तो मैं एक चाबी होता है ना ताले का, वो ताले का काम करेगी और इसी से हम लोगों को एक सही रूट मिलेगा कि हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना है। अच्छा, जब किसी चीज़ की प्रॉस होती है तो उसी चीज़ की कॉन्स भी होती है। NTA ने क्या किया कि NTA ने बहुत सारे पेपर एग्जाम लेने स्टार्ट कर दिए, मतलब कि दो बारी में आपका एग्जाम हो रहा है। जहाँ पे हमारी 2017 2018 की एग्जाम जो होती थी एक बार एक सेट का एग्जाम होता था और चार सेटें होती थी, चार सेटें मतलब कि ABCD, एक दिन आपका एग्जाम हो गया बस खत्म। अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि 2019 में दो शिफ्ट में एग्जाम्स हो रही है, दो शिफ्ट में एग्जाम्स होने के बाद चार चार दिन एग्जाम हो रही है, कभी तो पांच दिन हुई हो रही है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 16 सेट आप लोगों के लिए उन लोगों को बनाना पड़ रहा है। अब सपोज मैं एक बात कह रहा हूं कि पहले आप लोगों को पहले मतलब जो क्वेश्चन बनाते थे उन लोगों को एक साल का वक्त दिया जाता था, कहा जाता था कि आप लोगों को चार सेट क्वेश्चन बनानी है। अब उतने ही लोगों को एक साल का वक्त दिया जाता है और कहते हैं कि
16 सेट की क्वेश्चन बनानी है। मतलब क्या डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस ये आ गया कि जो क्वेश्चन उन्हें 4 साल के बाद बनाना था, मतलब 4 साल में जितने क्वेश्चन बनाने थे उतने क्वेश्चन उन्हें अब 1 साल में बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कॉपी करेंगे, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाएंगे, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ढेर सारी मैच करेगी। और यही चीज हमारे 2019 के पेपर में देखा गया। हर एक पेपर में तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियस ईयर से हमारे मैच कर गए थे, और यही हमारा तुरुप का इक्का होने वाला है साबित। और यही 4-5 क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कि ये 4-5 क्वेश्चन हम लोगों से मिनटों में बन जाए। गए और देखे कि हाँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हम लोग ने बना के आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग से 3 या 4 मिनट में 4 क्वेश्चन बन जाती है। मतलब कि आपके 16 से 20 मार्क्स है वो बोनस आ जाते हैं। अब आप लोगों को ये जो 200 या 190 मार्क्स लाना था वो मार्क्स घट के 160-170 मार्क्स पे आ गए। अब आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ना आसान हो गया। आगे की सेना गिर चुकी है, आराम से अब हम वहां पे वार कर सकते हैं। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, हमारे जो क्वेश्चन जो होती है ना, ये जो हमारी मैथ्स की क्वेश्चन होती है, हमारी इस मैथ्स के क्वेश्चन में देखो 3 सेक्शन टाइप से आप लोग इसे बांट सकते हो। हर बार की क्वेश्चन को देख के मैंने इसे 3 भाग में बांटा है, इजी कंसेप्चुअल और हार्ड। इजी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोग सारे बच्चों को बनाना है, मतलब कि ये इजी क्वेश्चन हमारे 10 से 12 आते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर को अगर सारे को देखोगे तो उसे टटोलने के बाद कुछ ऐसा समझ में आएगा कि इजी क्वेश्चन मतलब निहायती इजी क्वेश्चन 10 से 12 आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 12 से 14 आएंगे, हार्ड क्वेश्चन 7 से 8 आएंगे। मतलब ये आप हैंडसम हो, आपसे ये लड़की अच्छे से पट जाएगी। थोड़े यार मेरे टाइप के वो मतलब बिलो एवरेज और एवरेज थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर अगर और नीचे हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी हार्ड क्वेश्चन या फिर हार्ड जो बहुत अच्छी सी लड़की है उन्हें आप लोगों को मनाने में। इसका मतलब क्या है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ये इजी वाले क्वेश्चन हमारे सबसे जल्दी बन जाए। कौन से क्वेश्चन सबसे जल्दी बन जाए? इजी क्वेश्चन सबसे जल्दी बन जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर्स दिए हैं कि वो 12-13 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसके ऊपर आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, जो कि इजी व्यक्ति में मारो और उसे गिरा दो उस क्वेश्चन को। और वो 12-13 क्वेश्चन जो है वो आपसे हाफ एन आवर में बन जाने चाहिए ताकि आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाए और उस एक्स्ट्रा बूस्ट के कारण कुछ और भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं कैसे तैयारी करूं, मैं घर पे तैयारी कर रहा हूं, मैं कोचिंग में तैयारी कर रहा हूं। डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट तैयारियां होंगी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है, बिल्कुल भी जीरो लेवल पे है और उन्हें लग रहा है कि मेरे पास 4-5 महीने बाकी है। मतलब जीरो लेवल का मतलब ये यार कि आपको ये पता है कि हाँ साइन थीटा क्या होती है, कॉस थीटा क्या होती है, टेन थीटा क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, बेसिक्स आप लोगों को पता है बट डेप्थ नॉलेज नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा ही नहीं पता है फिर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें आने वाली है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक्स आ रही है सारी चीजें। अब दो चीजें आप लोग कर सकते हो यार। एक चीज तो ये कि सोच लो कि यार हमसे एग्जाम्स नहीं निकलने वाला, और एग्जाम्स नहीं निकलने वाला है, बैठ जाओ घर पे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सोचना कि अगले साल तैयारी करेंगे, अगले साल भी नहीं होगी, फिर बैठ जाना, फिर सोचना कि अगले साल तैयारी होगी। दूसरा आप ये कर सकते हो कि अभी से उठ जाओगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ हमसे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं भी जो भैया बोलेंगे उन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकता हूँ और उन प्रिपरेशन को करके अपने मार्क्स जो है वो मार्क्स को मैं ला सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि आप लोगों को या तो यार सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 से π/2 log sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इंटीग्रेशन में हमारी क्वेश्चन है और एग्जांपल में एक क्वेश्चन है, मुझे 3 साल हो गए या 2 साल हो गए बनाए हुए, लेकिन मुझे भी पता है कि 0 से π/2 log sin x की आंसर थी -π/2 log 2। वो जैसे 2 पेपर होता है तो इस साइड के पेपर में हमारा इधर वे सॉल्व किया हुआ था ये क्वेश्चन, तो ऐसे आप लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। मतलब कि ये कंसेप्ट वाइज आपकी बेसिक्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उससे आपके 10 क्वेश्चन वो बन जाएंगे एनसीईआरटी की बेसिक्स से। अब एनसीईआरटी आपने कर लिया, एनसीईआरटी को करने के बाद आप लोगों को कोचिंग या फिर यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते हो, मैं तो यूट्यूब वीडियोस को काफी अच्छा मानता हूं। क्यों? क्योंकि यार इसमें आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई जाती है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि जैसे कि वो मेरे साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन वो कर रहे थे, काफी ज्यादा मेरे से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जेई मेंस जनवरी की पेपर दी, 100-105 मार्क्स है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, भैया मैं क्या करूं। मैंने बताया कि अच्छा ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हो कौन कौन से देखने हैं। उसके बाद जेई मेंस अप्रैल सेशन में वो बोलते हैं कि भैया मेरे 240 मार्क्स है, 100-240 ह्यूज गैप, 2 गुना से भी ज्यादा मार्क्स उनके आ गए। क्यों आए? क्योंकि यार आप लोगों को सटीक चीज और जो चीज जरूरत है वही चीजें मिलती है वहां पे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को सारा चीज पढ़ाया जाता है, जितनी चीज जरूरत है उतनी ही चीज पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, ज्यादा आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है, जितना पढ़ना है
दिमाग भी तो यार हम लोगों का कुछ लिमिट है ना, उस लिमिट के हिसाब से ही हम लोगों को चीजें करनी है। अच्छा ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी कर लिया, कोचिंग और यूट्यूब से आप लोग कहीं से भी आप जाके देख सकते हो। तीसरी चीज आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिख जाए, वो क्वेश्चंस झटाक फटाक बन जाना चाहिए आप लोगों से, एकदम कहीं पे भी कहीं पे रुकना नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सबसे पहले बनाने, मैंने क्या कहा था कि 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे पिछले साल 2019 में आ रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से मैच कर रहे हैं। तो अगर आप ये 4 या 5 में से अगर मैच में 2 या 3 क्वेश्चंस अगर आपसे फंसते हैं, तो उन 2-3 क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत ही जल्दी बना के आगे निकलना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज जितनी चीज पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस 40 से 50 क्वेश्चंस को लगाने हैं। अच्छा कौन से बुक से मैं लगाऊं भैया, अगर आपके पास क्या बोलूँ कि एक तरीके से कोचिंग में दिया जाता है ना वो DPPs और सीट्स वगैरह, तो अगर वो है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके आप ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसकी भी बुक खरीद लेना, वो तो खरीद ही लेना, और साथ ही साथ आप लोग और जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उस इंपॉर्टेंट बुक्स को भी आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ अगर आप करोगे तो आपको जो हमारा जो बेसिक जो मार्क्स है ना वो, जैसे कि हमें हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हमें केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आने चाहिए, मैथ्स में हमें अगर 60 मार्क्स आ जाते हैं तो हमारे पास कितना मार्क्स हो जाता है, 140 मार्क्स हो जाता है। तो अगर हम लोग वहां पे फिजिक्स में अगर 50 या 60 मार्क्स पे अगर हम लेके आते हैं तो हमारी 200 मार्क्स की जो बैरियर है वो बैरियर पार हो जाती है। क्या हो जाती है? पार हो जाती है। तो हमारे लिए मैथ्स भी उतना ही ज्यादा खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा भैया आपने इतनी सारी चीज़ें तो कह दी और आपने बता दिया कि इजी में 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल 12 से 14 और हार्ड में 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को टारगेट होना चाहिए कि मैं 15 क्वेश्चंस को बना लूँ। अच्छा कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि भैया मैं क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करूं, तो यार ये एक मिलवानो नाम का एक ऐप है, ये मिलवानो एक ऐप है। अच्छा मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूँ, एक क्विज खेलते हैं या फिर कहो तो एक क्वेश्चन टाइप का आप लोगों को देता हूँ कि मिलवानो पे जाके यार आप लोग क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। ये हमारे एक सीनियर हैं, उस सीनियर ने ही हमारे इस ऐप को डेवलप किया है, इज़ फ्रॉम IIT और वो IITian है और उन्होंने ये ऐप को डेवलप किया है आप लोगों के लिए, डेवलप किया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। JEE प्रिपरेशन कराया जाती है शॉर्ट और ल्यूसिड वे में कराया जाता है, बहुत सारे बुक्स का क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब सबसे बड़ी बात क्या है पता है, 2019 में 10 से 12 क्वेश्चंस मिलवानों से मैच कर गए, 10 से 12 क्वेश्चन। इमेजिन कि आप JEE मेंस 2020 के एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से आप लोगों ने प्रैक्टिस करा है और आप लोग इसे 5 से 7 क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, टक 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 टक, दूसरे देख रहे हैं कैसे बनाऊंगा, आप वहाँ पे ABCDE, सॉरी ई तो होता ही नहीं है, ABCDE, किसी का ए मान लो हो जाता है, आप लोग ऐसे टिक कर देते हो, कितना बूस्टअप मिल जाएगा, बस उस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करो। एक बार डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद कोई पैसे तो आप लोग से लिए नहीं जा रहे, आप लोग देखो जाके और फीडबैक दो यार मुझे, कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट करके बताओ कि आप कितने क्वेश्चंस बना रहे हो, कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, कितनी रैंक आ रही है आपकी, ये सारी चीज़ें मुझे आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ढेरों सारे बुक्स के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं, एक बुक करोगे वहाँ 50 बुक के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी अच्छे, आप लोगों को कोई गाइड करने वाला मिलेगा, रैंक मिलेगी आप लोगों को, दूसरे को देखोगे मोटिवेट होगे, कुछ अच्छा करने का मन करेगा, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है यार। अब आते हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हमारा जाता है स्टैटिस्टिक्स, जरूर करें एक क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन दो क्वेश्चन, फंक्शन मैंने ऐड नहीं किया, सेट्स और रिलेशन से दो क्वेश्चन, उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट दो क्वेश्चन, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी दो क्वेश्चन, वेक्टर 3D दो क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन, तो यहाँ हो गए 5, यहाँ हो गए 7, मिला के हो गए 12, तो 12 क्वेश्चन हमारे इजी जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इजी की भैया यहाँ से नैया पार हो गई। बात आती है कंसेप्चुअल और हार्ड, ये चीज़ें होमवर्क आप लोगों को खुद से करनी है, मैंने इजी के बारे में बता दिया कि इजी आप लोगों को कैसे कैसे करना है, और अब आप लोगों को कंसेप्चुअल और हार्ड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आता या फिर उन्हें क्या कहूँ AOD में कहीं दिक्कतें आती है या फिर सर्किल में दिक्कत आती है, तो उनके हिसाब से मैंने ये जो चार्ट है वो तैयार किया, नाम इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी का नाम लिया है जो कि काफी बच्चों का अच्छा होता है, तो अगर आप ये 12 क्वेश्चंस करने के साथ अगर उधर आप 4-5 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आप दूसरों से काफी ज्यादा आगे बढ़ जाते हो, तो ये चीज को ध्यान रखें यार, और होपफुली जो मैंने वीडियो को बनाने की कोशिश की है वो वीडियो समझ में आई होगी। अगेन मैं कह रहा हूं कि मैथ्स इज लाइक ए गर्लफ्रेंड, अगर वक्त नहीं दोगे छोड़ के दूसरे के पास चले जाएगी, छोड़ के दूसरे के पास चले जाएगी, मतलब मार्क्स आपको नहीं आएंगे किसी और को मार्क्स आ जाएंगे, कॉलेज आपको नहीं मिलेगी किसी और को कॉलेज मिल जाएगी, तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ वो गर्लफ्रेंड बनी रहे, वक्त दो, टाइम दो, मेहनत करो, और कुछ नहीं यार, जिसके ऊपर आप टाइम वेस्ट करोगे, दिमाग लगाओगे, सोचोगे, वो चीज़ अच्छे हो जाएगी। और अब मैथ्स हो गई है, केमिस्ट्री भी हो गई है, फिजिक्स की भी जल्दी ही मैं बना दूंगा, और बस इतना ही, लेता हूँ अलविदा। ये ऐप को डाउनलोड करके देखना एक बार, मुझे बताना फीडबैक कैसी ऐप है, और कुछ इंप्रूवमेंट होगी तो मैं उन्हें खुद बताऊंगा कि इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि हमारे सीनियर है तो बहुत ज़्यादा लगाव है इनसे, मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, तो इस वजह से बस लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगले सप्ताह और एक एजुकेशनल वीडियो के लिए, तब तक के लिए।